Hey all, it's over Btech commerce wallah, मैं googlecloudery facilitator program की playlist बना रहा हूं जिसमें अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और हम लोग थर्ड ट्रैक में भी सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। बस हम लोग की 10th को इसकी लास्ट लैब बाकी है, आज हम लोग की लास्ट लैब है इस प्लेलिस्ट की होपफुली ये लास्ट लैब होगी, ठीक है। इसके बाद जो भी लैब्स होंगी वो स्मॉल स्मॉल वीडियो होंगी, कुछ मुझे अगर कुछ कहना होगा या मुझे आपकी लैब्स करनी होगी तो उन सब चीजों के लिए, ठीक है। बट ये लास्ट लैब है इस क्वेस्ट की और इस पूरी प्लेलिस्ट की वैसे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं। सो इस लैब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं कि हम लोग को सिर्फ सेकंड और फिफ्थ लैब करनी थी और जितनी भी लैब्स हैं ये सब मैं पहले कर चुका हूं, इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने सेकंड लैब कर दी है, इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की जो लैब है वो लास्ट लैब है ये वाली, इस पर क्लिक करते हैं। सो मैं आपको इस लैब को कौन सा बता देता हूं, इस लैब का कांसेप्ट ये है यार कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ पॉसिबल, ठीक है। तो अब इस लैब को कौन सा बता देता हूं, जो इससे पहले हम लोगों ने इसी क्वेश्चन में लैब करी थी वो क्या था, उसमें हम लोगों ने काम किया था क्लाउड स्पीच एपीआई के ऊपर। तो क्लाउड स्पीच एपीआई का मेन काम यही होता है कि जो ऑडियो हम लोग बोलते हैं इसको ये ट्रांसलेट कर देता है टेक्स्ट में, ठीक है। और इस वाली लैब में हम लोग को यही करना है, स्पीच होगी और उसको टेक्स्ट में ट्रांसक्रिप्शन करना है, मतलब ट्रांसक्राइब करना है, ट्रांसलेट करना है एक तरह से आप कह सकते हैं। और ये 80 लैंग्वेजेस में हम लोग को ट्रांसक्राइब कर सकता है, कोई भी अगर स्पीच हम लोग बोले उसको टेक्स्ट में 80 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसक्राइब कर सकता है, ठीक है। और ये कैसे करेंगे, क्लाउड स्पीच एपीआई की मदद से करेंगे, ठीक है। तो यार सेटअप करते हैं, स्टार्ट लैब पे क्लिक करते हैं, फिर पासवर्ड कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, रन करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेना यार, इसको एग्री करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। अब सबसे पहले हम लोग को एक एपीआई की बनानी है, जितनी भी ये वाली लैब्स थी जिसमें हम लोगों ने एपीआई के साथ काम किया, क्लाउड स्पीच एपीआई हो या नेचुरल लैंग्वेज एपीआई हो या ट्रांसलेशन एपीआई हो, कोई भी एपीआई हो, सबसे पहले हम लोगों ने एपीआई की ही बनाई है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग को एपीआई की बनानी है, सबसे पहला काम यही करना है, ठीक है। तो हम लोग एपीआई सर्विसेज में जाएंगे, क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करेंगे और क्रिएट क्रेडेंशियल्स में एपीआई की पर क्लिक करेंगे, हम लोग की एपीआई की जनरेट हो जाएगी, इसको कॉपी करेंगे, क्लोज करेंगे और इसको यहाँ कॉपी करके रख लेंगे, ठीक है। अब पहला काम हम लोगों ने कर लिया, चेक माय प्रोग्रेस करा लेते हैं। अब इन्होंने हम लोग के लिए पहले से एक वर्चुअल मशीन का इंस्टेंस बनाकर दिया है, उसमें हम लोग एसएसएच करेंगे और अपनों की एपीआई की का एनवायरमेंट वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। तो नेविगेशन मेनू में जाते हैं, कंप्यूट इंजन पे वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस पर क्लिक करते हैं और ये वीएम है जो हम लोग के लिए पहले से बनाकर दी है, इसमें एसएसएच पर क्लिक करेंगे और अपनी एपीआई की का एनवायरमेंट वेरिएबल बनाएंगे। इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, योर एपीआई की को रिमूव करते हैं, यहाँ से एपीआई की को कॉपी करते हैं जो हम लोगों ने एपीआई की जनरेट करी थी, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब ये पहला काम हो गया, अब हम लोग एक रिक्वेस्ट डॉट जेसन फाइल को बनाएंगे टच कमांड से फाइल को बनाते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, फाइल बन गई हम लोग की। अब उस फाइल को ओपन करेंगे नैनो टेक्स्ट एडिटर में, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, फाइल का नाम यहाँ लिखते हैं हम लोग नैनो और उसको पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, उसके अंदर का कंटेंट दिख जाएगा। अभी सिर्फ हम लोगों ने फाइल बनाई है तो फाइल खाली है, ठीक है। उसके अंदर इस कंटेंट को पेस्ट करेंगे तो उसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, कंट्रोल ओ इंटर कंट्रोल एक्स, हम लोग की फाइल बन गई, उसके अंदर कंटेंट हम लोग पेस्ट कर दिया। इसकी जो मेन चीज है मैं आपको बता देता हूँ, एक कॉन्फ़िग, दूसरी ऑडियो। कॉन्फ़िग मतलब जैसे हम लोग टेस्ट बोल रहे हैं उसको ये ट्रांसक्राइब करेगा टेस्ट में। तो इनकोडिंग कौन सी यूज हुई है, जैसे हम लोग जब वेब डेवलपमेंट में कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हम लोग इनकोडिंग देते हैं UTF-8 की, वो उसका इनकोडिंग टाइप है जिससे ब्राउजर्स को पता चल जाए, वैसे इसमें है जिससे API को पता चल जाए, ठीक है। तो इसमें फ्लैग यूज किया गया है और लैंग्वेज कोड क्या है, ENUS, मतलब जो लैंग्वेज लिख के आएगी जो टेस्ट ये ट्रांसलेट करेंगे, जो ऑडियो को टेस्ट में लाएंगे, तो जो टेस्ट का फॉर्मेट मतलब जो बोलने का सेंस होगा वो US वाली इंग्लिश होगी, ठीक है। और उसके बाद ऑडियो में देखो, पहले मेन चीज ये कि ऑडियो हम लोग बोलेंगे उसको ये टेस्ट में करेगा, तो जो ऑडियो की फाइल है जहां पर रखी है क्लाउड स्टोरेज बकेट में उसका URL दे दिया, ठीक है। इसको चेक माय प्रोग्रेस कर लेते हैं। अब हम लोग स्पीच एपीआई को कॉल करेंगे इस कमांड से, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, तो हम लोगों ने अभी कॉल कर दिया है, ठीक है। अब कैट से इसके अंदर का कंटेंट हम लोग देख सकते हैं, मतलब उसने क्या ट्रांसक्राइब किया है जो टेस्ट में आया होगा, मतलब जो ऑडियो को इसने ट्रांसक्राइब किया होगा, हाउ ओल्ड इज द ब्रुकलिन ब्रिज लिख के आया है, मतलब ये कि ऑडियो जो था उसमें ये बोला गया था और उसको इसने टेस्ट में कर दिया, ठीक। कॉन्फिडेंस मतलब जो भी इसने आउटपुट दिया है वो कितना कॉन्फिडेंट है उस पर, वो 0 मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, 1 मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, 0.9 मतलब काफी हद तक कॉन्फिडेंट है, जो ये बोल रहा है वो सही है, ठीक है। तो ये आउटपुट आ गया हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग चेक माय प्रोग्रेस कर सकते हैं, हम लोगों ने कॉल कर लिया स्पीच एपीआई को। तो यार जैसे कि हम लोग की लास्ट लैब है, तो अगर आपने पूरी मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करी हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना यार, और अगर लैब करने में सक्सेसफुल रहे हो तो भी कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। अब यार ये हम लोग का लास्ट टास्क था, हम लोग को 100 पॉइंट्स मिल गए। अब इसको क्या करेंगे, स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, मतलब जो हम लोग की ऑडियो की फाइल थी उसको इसने सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इसको आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, और इसको 80 लैंग्वेजेस में ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जिसमें मन हो उसमें आप ट्रांसक्राइब करा सकते हैं, वही बेसिक चीजें होंगी, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, बस कमांड कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है। तो यार कांग्रेचुलेशन, हम लोग की लैब कंप्लीट हो गई, 100 पॉइंट्स हम लोग को मिल चुके हैं। अगर आप ये लैब करने में सक्सेसफुल रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब चलते हैं।